जुलाई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एक नए इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ेगा। वृक्षारोपण महाभियान अब तक गत 7 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 168 करोड़ वृक्षारोपण के पवित्र कार्यक्रम को संपादित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी इन सभी का सर्वे करवाया है, इस सर्वे में हमारे लगभग ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला लें तो 70 से 80% पौधे हमारे अब तक जीवित हैं। इस बार हम लोगों ने इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए 5 जून के लिए जो आह्वान पूरे देशवासियों का किया, उस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश ने जुड़ने का निर्णय लिया और 5 जून के साथ साथ वन महोत्सव के अवसर पर और अब चूंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी जनपदों में हो चुकी है, उन स्थितियों में जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को टारगेट दिया है 36 करोड़ 46 लाख का, उसके लिए 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को एक दिन में अचीव करने के लिए आप सबकी सहभागिता से, जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उसकी कार्ययोजना आपके सामने अपर मुख्य सचिव वन और पर्यावरण ने अभी कुछ देर पहले प्रस्तुत भी किया था। हम सब जानते हैं आबादी बढ़ने, अंधाधुंध वनों की कटान से अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास के कार्यक्रमों ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है और इस पर्यावरण से होने वाले नुकसान के कारण इस बार की गर्मी मुझे लगता है कि वर्षों तक लोगों को याद होगी। हम लोग पहले मानते थे, आज से मुझे याद है 25 साल 30 साल पहले अगर टेम्परेचर 42 तक पहुंचता था तो लोग कहते थे बहुत गर्मी हो गई और 45-46 भी हमने देखा और इस बार 48 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर को बढ़ते हुए देखा है, हीट वेव को देखा है। उस दौरान लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे, सामान्य निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने कुछ लोगों को इस हीट वेव में उसके चपेट में आते हुए देखा है, पीड़ा होती थी कि ये पर्यावरण के साथ जो हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ किया है आज इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है और इसीलिए आज मैंने आवश्यक समझा कि 20 तारीख के इस अभियान के लिए त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों के साथ मैं सीधे संवाद बनाऊं। मैंने गत वर्ष भी बनाया था, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे और इस वर्ष मैं फिर इसलिए आपके साथ संवाद बना रहा हूं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको पता है पेड़ की कीमत भी पता है, उसकी उपयोगिता की जानकारी भी है और साथ साथ ये भी मालूम है कि ये हीट की वेव जो इस बार देखने को मिली थी वह आने वाले समय में हम अपने प्रयासों से नियंत्रित कर सकें। इसके लिए 20 जुलाई की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और मेरी आप सबसे अपील होगी, एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के साथ तो हमें जुड़ना ही है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ, हमें पेड़ को पर्यावरण के साथ जोड़ देना है। पेड़ बचेगा तो पर्यावरण भी बचेगा, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा, हर एक व्यक्ति को जुड़ना होगा। ये धरती माता केवल
कंक्रीट के जंगलों से ही के कारण सुरक्षित नहीं रहने वाली है। याद रखना, हमें इस धरती माता के प्राकृतिक स्वरूप में अधिक से अधिक स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान देना होगा। अगर हम वहां से कुछ ले रहे हैं तो हमें देने की सामर्थ्य भी हमारे पास होनी चाहिए, और इसी के लिए आज आप सबसे मैंने जुड़ने का निश्चय किया है कि जो टारगेट आपके पास है, जितना लक्ष्य आपके लिए है, उस लक्ष्य से ठीक करके उन पेड़ों की सुरक्षा भी करना, उन पेड़ों की सुरक्षा के साथ साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते हुए उसकी फोटोग्राफी लेना और फिर उस फोटोग्राफी को अपलोड भी करना, जिससे पता लग सके कि कहां पे कितना वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आज संपन्न किया है, और अंततः सायंकाल जब ये अभियान संपन्न होगा तब तक हमारे पास पूरे डाटा आ चुके होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितना वृक्षारोपण का लक्ष्य किस विभाग ने और किस जनपद ने अचीव किया है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ एजेंसियों को भी लगाया है, वे इन चीजों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। मेरी अपील होगी, छायादार वृक्ष होंगे, फलदार होंगे, औषधि युक्त होंगे, इमारती लकड़ियों से संबंधित होंगे, जो भी किसी भी कैटेगरी के आप लगा रहे हैं, एक बार देखने की आवश्यकता है। जो विशेषज्ञ हैं, वन विभाग के लोग होंगे, उद्यान विभाग के लोग होंगे, अन्य विशेषज्ञ होंगे, गांव के बहुत सारे लोग हैं जो किसी पद पे नहीं लेकिन उनको इसकी विशेषज्ञता हासिल होती है, वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि कहां पे कौन से पेड़ उपयोगी हो सकते हैं। हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, अच्छा होगा। हर जनपद में नदियां हैं, हर जिले में और हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर भी हैं, नगर निकायों में भी अमृत सरोवर भी हैं, नदियों के किनारे हम लगा सकते हैं, व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्जुन, जामुन और ऐसे पेड़ अगर जल के अंदर कुछ देर तक रहते भी हैं, नदी का जलस्तर बढ़ता भी है, दो दिन, चार दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, इनको कुछ नहीं होता, ये सुरक्षित रहेंगे। हम उन प्रजातियों को चिन्हित करें और फिर उनको अगर लगा करके अगर हम नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में लगा देते हैं तो नदी सुरक्षित होगी, सदा निरा होगी। हमें इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। उससे ऊपरी तट पर अगर आप पीपल, पाकड़, बरगद इनको लगाएंगे तो जल की मात्रा को बरसात में अपने अंदर सुरक्षित कर लेंगे, और गर्मियों में जब आपकी जल की आवश्यकता है उस समय उनके द्वारा जल का अंश भी विसर्जित किया जाता रहेगा, तो वह भी आपके लिए सदा निरा नदियां दे देंगी, सरोवर दे देंगे। ऐसे ही नीम के पेड़ अच्छे लगा सकते हैं, हम कहीं वाटिका स्थापित कर सकते हैं अलग अलग, किसी पौराणिक ऋषि के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर, किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पर, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर, किसी शहीद के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर, या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम पर अपने यहां अच्छी वाटिका स्थापित कर सकते हैं, नगरीय क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। जो कुपोषित परिवार हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना जिन्हें उपलब्ध कराया गया है, अगर इन लोगों को हम सहजन का पेड़ देते हैं और उनके घर में लगा करके उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करते हैं, अगले चार पांच वर्ष में उस सहजन एक बड़ा पेड़ हो जाएगा। सहजन बड़ा होगा तो उसकी फली सब्जी के लिए भी उपयोगी होगी, और उस फली को अगर वह परिवार सूप के रूप में भी उपयोग करता है तो कुपोषण को दूर करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है, बहुत उपयोगी होता है। उसकी पत्तियां गाय को खिलाएंगे तो गाय का दूध भी बढ़ेगा, और गाय को पौष्टिक आहार उसके बदले स्वयं ही
सहजन की पत्तियों से प्राप्त हो जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं प्रकृति के पास जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने कहा था कि नास्ति मूलो अनौषध, यानी कोई भी मूल, कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। हम उसको थोड़ा टटोले तो, उसको पहचाने तो, और मुझे लगता है कि भारत की ग्राम्य आधारित व्यवस्था इसका सबसे बड़ा पारखी रहा है। और मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ करके हम ऋषि परंपरा को भी स्मरण करें। अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने अपने यहां अलग अलग प्रयोग किए हैं, कहीं पे मियाबाकी फॉरेस्ट लग रहा है, कहीं सौमित्र वन लग रहा है, कहीं पर एक पेड़ मां के नाम पे लग रहा है, कहीं पे जो बेटियां पैदा हुई हैं या उन बेटियों के नाम पर एक पेड़ लग रहा है, कहीं अपने किसी महापुरुष के नाम पर लग रहा है। ये सभी चीजें एक स्मृतियों को आगे बढ़ाने और हमें उसको सुरक्षित रखने के कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। मेरी आप सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि पेड़ भी लगाना है, उसको बचाना भी है, और पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ के इस पवित्र अभियान के साथ हम सब जुड़े। 20 जुलाई का जो अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो अकेले ग्राम्य विकास, पंचायती राज और नगर विकास, इनके द्वारा ही 15 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और अकेले वन विभाग के स्तर पर भी लगभग 14.5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। ये बड़ा लक्ष्य है। अगर ये दोनों विभाग ही अगर अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो 30 करोड़ के आसपास पौधे तो हम इसी के साथ लगा देंगे। शेष अन्य तमाम विभाग हैं जिनके द्वारा इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ना है, और उस अभियान के साथ हम लोग, मैं अपने अन्नदाता किसान बंधुओं से भी अपील करूंगा, हमारे ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखगण, ये सभी लोग किसान भी हैं और साथ साथ किसानों के साथ सीधे इनका संबंध भी है। मैं उनसे कहूंगा कि गत वर्ष जो हम लोगों ने कहा था कि खेत में मेड़ और मेड़ में पेड़, इस अभियान के साथ भी हम किसानों को प्रेरित करें। ऐसे कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं जिससे खेती भी हो सकती है और अतिरिक्त आमदनी के लिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहां हो सकते हैं जिसमें हम वृक्षारोपण में सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा योजना का उपयोग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना का, मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना का भी लाभ हम इन योजनाओं के माध्यम से लेकर के इस कार्यक्रम को अपने गांव में अमृत सरोवर के तट पर, ज्यादा भूमि है, नंदन वन, कान्हा वन, सौमित्र वन या अन्य किसी दैवीय विभूति के नाम पर, ऋषि के नाम पर, महापुरुष के नाम पर, उन्हें वहां पर वाटिका के रूप में स्थापित करने का काम कर सकते हैं। और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके जिसमें नीम है, सहजन है, आंवला है, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, देसी आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुटेल, बांस, पीपल, पाकड़, बरगद, इन सभी के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो अभियान पर्याप्त रूप से आगे बढ़ेगा। इससे सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमारे गांवों में खाली जमीन होगी। देखिए, निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार चला रही है और मैं चाहूंगा कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर भी जो किनारे किनारे खाली जगह है, टी गार्ड के साथ अगर हम वृक्षारोपण वहां पर कर लेते हैं, छायादार वृक्ष लगाते हैं, उसमें खास तौर पर अगर हम सुरक्षित स्थान वहां पे बना करके पहले से उसकी तैयारी कर लें, और उसमें अगर हम लोग छायादार वृक्षों को, नीम आदि को प्राथमिकता देते हैं, पाकड़ को लगाते हैं, पाकड़ की तो टहनी भी लग जाती है, अगर हम लगाएंगे वो एक अच्छा पेड़ बन जाएगा। और आप सोचेंगे कि
भीषण गर्मियों के दौरान मैं देख रहा था निराश्रित गौआश्रय स्थल पर, भीषण गर्मी में गाय टीन के शेड के नीचे या धूप में रहने के लिए मजबूर थी। अगर हम लोग वहां पे पाकड़ का पेड़ लगा दें, 3-4 वर्ष के अंदर वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो एक प्राकृतिक छाया गर्मी में उसे प्राप्त हो जाएगी। सर्दियों में पाकड़ का पेड़ में इतने घने, इतना घना उसके ऊपर पत्तियां होती हैं कि सर्दियों में उसमें ओस की एक बूंद भी नीचे नहीं आती है। सर्दियों में उसके नीचे अगर कोई बैठेगा तो उसको एहसास होगा जैसे कोई गर्मी का एहसास हो कराता है। तो ये चीजें हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। तो गाय के लिए या किसी भी जानवर के लिए स्वाभाविक रूप से यह एक संरक्षण का काम करता, आश्रय का काम करता है। पीपल का पेड़ ऐसे ही अच्छे लग सकते हैं, तो निराश्रित गौ आश्रय स्थलों को भी हम आधार बना सकते हैं। इसके अलावा बरसात हुई है, हम जल संरक्षण का भी एक अभियान अपने ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्र पंचायत में, अपनी जिला पंचायत में कर सकते हैं। और मेरी आपसे अपील होगी, इस पवित्र कार्यक्रम के साथ तो हमें जुड़ना ही है, हर ग्राम पंचायत में खाद का गड्ढा भी हम तैयार करें। पहले गांव में खाद का गड्ढा होता था, खलियान होता था, गांव का तालाब होता था। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे पूर्वज बहुत दूर दृष्टिता रखने वाले थे, उन्हें मालूम था पर्यावरण के सामने जो संकट है, इस संकट का समाधान हमें कैसे करना है। आज जिसे आप सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, जिसके आप ले प्रबंधन की बात, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की बात करते हैं, वह सॉलिड वेस्ट का सबसे अच्छा माध्यम, गांव के अंदर छोटी आबादी थी लेकिन उन्होंने गांव के अंदर खाद का गड्ढा बना करके रखा हुआ था। लिक्विड वेस्ट के लिए उन्होंने पहले गांव के बाहर दूरी पर एक अतिरिक्त तालाब बना के रखा हुआ था जहां गांव का पानी चला जाता था, लेकिन गांव के अंदर उपयोग करने के लिए एक तालाब रखते थे जिसमें गांव का बरसात का पानी छन करके जाता था और उसके माध्यम से सुरक्षा होती थी, लोग उपयोग करते थे उस पानी का। आज हमें फिर से, तो गांव का वाटर लेवल भी ऊंचा रहता था, लगातार वाटर लेवल नीचे हो रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए, पर्यावरण को भी बचाना है, जल के एक एक बूंद की कीमत को भी समझना है। हर घर नल की योजना क्रियान्वित होने के अंतिम चरणों की तरफ बढ़ रही है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हम इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान दे देंगे तो इसका काफी लाभ हमें होगा। प्लास्टिक का उपयोग न हो, याद रखना ये प्लास्टिक पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये पर्यावरण का ही दुश्मन नहीं बल्कि आपके लिए भी संकट खड़ा कर सकता है, मनुष्य के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी संकट खड़ा करता है। हम इसके लिए भी देखें कि इस प्लास्टिक से बचाव के लिए हम अपने गांव को इसके लिए तैयार करें। शहरी क्षेत्र में भी हम नीम, आंवला, इमली, जामुन, बेल, देसी आम, शीशम, अमलतास, कनक चंपा, कचनार, सीता अशोक, जकरंडा, गुलमोहर, जरूल, सावनी, कनेर, हरा सेमल, पाकड़, हरसिंगार यानी जिसे पारिजात कहते हैं, मोलश्री, चितवन, वाटर प्लस, अन्य तमाम ऐसे प्रजातियां हैं जिनको लगा करके शहरी जीवन को भी हम बेहतरीन रूप दे सकते हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पेड़ लगाना भी, उसको बचाना भी, इसमें अन्य संगठनों का सहयोग भी लेना, सामाजिक संगठन होंगे, स्वयंसेवी संगठन होंगे, महिला संगठन होंगे, इन सब का भी अगर हम सहयोग लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। सीएसआर से तमाम अन्य संस्थाओं का भी सहयोग हम इस कार्य के लिए ले सकते हैं। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं कि हम लोगों ने 168 करोड़ वृक्षारोपण किया, उत्तर प्रदेश को इसके लिए अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए कार्बन क्रेडिट के नाम पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने जा रहे हैं, और जिसमें हम अपने ग्राम प्रधानों को और उन किसानों को एक बार बुलाने जा रहे हैं जहां पे वृक्षारोपण हुआ और सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, ऐसे 25,000 किसानों को हम बहुत शीघ्र सम्मानित करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं परसों यहां लखनऊ में भी कुछ किसानों को बुलाऊं
जिससे हम उन्हें उनके द्वारा किए गए पर्यावरण के योगदान को और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्थाएं आज इसके महत्व को समझ रही हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी ग्राम पंचायत और जो भी किसान इस या जो भी संस्था इस अभियान के साथ जुड़ेगी, कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कार्बन क्रेडिट का लाभ उन संस्थाओं को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और उससे न केवल हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि अपनी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना पाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, जिसमें हमारे महापौर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, पार्षदगण हैं, हमारे चेयरमैन हैं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के, आप सबको मैं इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। और उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम 20 जुलाई को संपन्न होगा, इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ करके फोटोग्राफ को अपलोड करने का काम भी करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और इस पूरे अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का आह्वान भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।